टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हमारे साथ मौजूद है मेरी बहुत अच्छी दोस्त, क्योंकि जो खाना खिलाता है उससे बहुत अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ है शेफ मुनीजा। ये खाने में कुछ भी मिला सकती हैं अगर आपने इनसे जरा सा भी पंगा लेने की कोशिश भी की। Exactly. बिल्कुल सही पकड़ा है इन्होंने। इसी तरीके से जो बीवियां होती हैं उनसे भी डरना चाहिए, वो भी कुछ भी मिला सकती हैं, ऐसे ही है। लेकिन माँ कभी कुछ नहीं, माँ सिर्फ दुआएं मिलाती है। अब ये तो आपने सेंटी कर दिया ना, खुलूस मिलाती है माँ, दुआएं मिलाती है, तो इसीलिए दोस्तों और बीवियों से ज्यादा सिर्फ माँ को ट्रस्ट करें। हकीकत। अच्छा मुझे वैसे एक बात बताएं, आप के आपके हस्बैंड से कभी ऐसी बात होती है कि तुम तो अम्मी के पास ही रहते हो और तुम तो अपनी अम्मी को ये और मैं तो हर वक्त इस तरह? नहीं नहीं नहीं, दरअसल मेरी मदर इन लॉ से मेरे ज्यादा अच्छे टर्म्स हैं, तो वो हम दोनों मिलकर उनको डांट लेते हैं। शेफ मुनीजा के हस्बैंड को हम लाइन पे लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसा नहीं करना, ये तो एक मजाक की बात थी। So, we are in the kitchen queen. We are with the kitchen queen. So, Chef Muniz, आज क्या बना रही हैं आप? I can see croissant for sure. Croissant is basically an Austrian thing. और बहुत सारे लोगों को लगता है कि croissant French, France से related है, but it actually has an Austrian origin. ये Austria से इसका origin हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, आज हम बना रहे हैं, हम एक बहुत डिफरेंट सी चीज़ बता रहे हैं, एक बेस बताएंगे, उससे आपको दो तरीके के फिलिंग्स बताएंगे जो आप जिससे दो तरीके के डिफरेंट सैंडविचेस बना सकते हैं, और बहुत इकोनॉमिकल बता रहे हैं कि जो घर में आपके तमाम अज्जा मौजूद हैं, आपने बस निकाला बनाया, या आपने एक दिन पहले वो सैलड बना लिया, अगले दिन मॉर्निंग में आपने उसको क्रोसन के अंदर फिल करा या ब्रेड में उसको करके और सैंडविच बना लिया। तो आज हम बनाना सिखा रहे हैं एग सैलेड, उससे क्रोसेंट के सैंडविचेस की फिलिंग तैयार करेंगे, साथ ही पोटैटो सैलेड बता रहे हैं, उससे भी हम जो है आपको सैंडविच बनाना बताएंगे। अच्छा, इसमें बेसिकली क्रोसेंट सैंडविच है आज हमारा डिश। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमने ट्विस्ट किया कि हम बेस एक ही रखेंगे, अब आप उसमें क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बेस एक बना ली, उसी बेस में आप एग्स ऐड कर दिया तो एग का सैंडविच बन गया, अगर पोटैटोज ऐड कर दिए तो पोटैटो सैंडविच बन गया, अगर चिकन ऐड कर दिया तो चिकन सैंडविच बन गया। तो ये थोड़ा सा हमने ट्विस्ट दिया कि आपके लिए बहुत इजी हो जाए, अगर आप इसके अलावा कोई और वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो वो बेस सेम रहेगी लेकिन आप उससे डिफरेंट फ्लेवर्स एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमने एक आज ट्विस्ट दिया है। बिल्कुल। और कल शेफ मुनीजा शिकायत कर रही थी कि असफर बहुत तंग करता है मुझे खाना पकाते हुए, तो शेफ मुनीजा आज मैं आपको तंग नहीं करूंगा। ये आपका फोन है, मुझे पासवर्ड बताया ना, मैं बस नहीं, ये क्या ये तो गलत बात है, आपने मेरा फोन उठा मैं पासवर्ड नहीं बताने वाली। देखिए, अपना पासवर्ड कोई बताता है किसी को? अच्छा आप बताएं, आप बताते हैं अपना पासवर्ड? मेरा पासवर्ड है ही नहीं, मैं तो खुली किताब हूँ, मुझे क्या छुपाने की जरूरत है? सब लोग सब कुछ तो जानते हैं, किससे दोस्ती किससे दुश्मनी। आई थिंक जो इंस्टाग्राम और आजकल जो सोशल मीडिया कि जितनी भी चीजें कहाँ कुछ छुपा रहता है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की। अच्छा, हमने क्या किया, इसके अंदर तकरीबन जो है बटर ऐड किया है 3-4 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि हम दो सैंडविचेस की बेस तैयार करें तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे। इसके साथ ही हम इसके अंदर मायनीज ऐड करें तकरीबन 1/2 कप। इन तमाम इन्ग्रीडियंट्स को हम मिक्स करेंगे, साथ ही इसमें जारी है क्रीम तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। आप एक सैंडविच बना रहे हैं, आप इसको 1/2 कर लीजिएगा। तो हमने इसमें बटर, मेयोनीज और फ्रेश क्रीम ऐड करा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब साथ ही इसके अंदर बहुत बेसिक से मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा कोई मसाले नहीं जा रहे। ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर, ठीक है, तकरीबन 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे आप हसबे जायका। वाइट पेपर जा रहा है 1/2 टीस्पून। अच्छा, वाइट पेपर के लिए एक बात बताऊंगी कि कोशिश करा करें कम से कम डालें, वो फ्लेवर को तो इन्हांस करता है लेकिन अगर आप उसकी मकदार बढ़ा देंगे तो हमारे गले में जाके लगता है वाइट पेपर, तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा ना म्याना रवि यानी कि लीनियंसी के साथ यूज़ करें। अच्छा, एक बात मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आप जब भी अंडे लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये बहुत गलत तरीक़ेकार है। अगर फूड सेफ्टी के हवाले से हम बात करें तो आपने अंडे लिए हैं, आप उसको वॉश करेंगे पहले, उसके बाद फ्रिज में रखेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि वो तो शेल है ना, तोड़ के हमने अंदर से अंडा डाल दिया तो वो शेल है, शेल तो अलग हो गया, लेकिन जब आपने उसको अंडे को लिया है उसके ऊपर बैक्टीरिया मौजूद होता है, वो बहुत ख़तरनाक होता है एक तरीके से, ठीक है, तो वो आपने उसी हाथ से तोड़ा, उसी हाथ से आपने कोई और चीज़ ऐड करी, वही हाथ आप यूज़ करें, तो हाथ तो वही यूज़ हो रहे थे, जर्म्स तो जा ही रहे ना आपकी चीज़ में। तो फूड सेफ्टी के
हवाले से मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। अच्छा, कोई भी वेजिटेबल्स लेके आते हैं, कोई फ्रूट्स लेके आते हैं, हम लोग डायरेक्ट फ्रिज में डंप कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि फ्रिज में भी एक एयर सर्कुलेट हो रही है, जो आपके अक्सर सालन आप इस तरह खुले रख देते हैं, वो उसमें वो एयर जा रही है, वो बैक्टीरिया उसमें भी जा रहा है। तो हमारी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगी कि ये बहुत गलत तरीका है जो हम लोग अपनाते हैं। आप इस चीज़ को सही करिए कि अपने वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एग्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप जो है वॉश करके रखें। और एडिंग टू दिस, जो बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने शेफ मुनीजा आज हाईलाइट किया है, इवन आजकल का जो टाइम चल रहा है, जैसे आपको पता है वी आर इन अ पैंडेमिक राइट नाउ, आप अगर टेट्रा पैक्स की भी कोई चीज़ लेकर आते हैं या कुछ बिस्किट्स लेकर आते हैं, इवन उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग है कुछ भी, उसको आप कभी अलमारियों में रख देते हैं बिस्किट्स को, या जिस तरह कभी बहुत सारे लोग जो अपने घर के मसाला जात लेकर आते हैं, आई थिंक वो भी हमें गीले कपड़े से किसी तरह वॉश करके ही उनको स्टोर करना चाहिए, बिकॉज यू नो द बैक्टीरिया वुड ग्रो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात शेफ मुनीजा आपने हाईलाइट किया। आप खाना पकाने के साथ साथ बातें भी अच्छी कर लेती हैं, इस बात का मुझे अंदाजा हो रहा है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल कैच यू इन अ बिट। खवातीनो हजरात, हम आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं द मॉर्निंग स्टार में। मैं हूँ शेफ मुनीजा के साथ, द किचन क्वीन। अच्छा, हमने स्टॉप किया था ब्लैक पेपर वाइट पेपर पे, और फिर हम अंडों की बात पे आ गए थे। तो अब साथ ही इसमें हम मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून, दैट्स इट। ये हमारी जो है वो बेस बिल्कुल तैयार है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद हमारे एग्स भी यहाँ पे जो है वो बॉयल हो चुके हैं। कौन से अंडे? गरम अंडे। ड्यूरिंग द ब्रेक हम यही मजाक उड़ा रहे थे, अंडे गरम थे, तो हमने कहा ये वो गरम अंडे। जिस तरह आपने अंडा चेज करी थी ना, जो रोल इधर उधर भाग रहा था, क्योंकि हम जब इसमें से निकाल रहे थे तो वो गिर गया था। अच्छा, ये बेस हमारी तैयार हो गई है। एग्स को जो है हमने सिंपली फोक की मदद से इस तरीके से मैश की, बहुत क्विक। प्लीज दर्दी निकाल दे इसमें से, अब तो बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो गई है, सॉरी, अब नहीं हो सकता। अब आपके लिए हम अलग से कर देंगे फिर, ठीक है? नहीं, अब मैं क्या मतलब अलग से क्यों, मैं यही खाऊंगा। अब जो बन गया खाएंगे। हाँ। आप कल वाला तो नहीं होगा सीन, गिरेंगे कल, मैं आपको बता रहा हूँ। कल हम लोगों ने जो ग्रीन स्मूदी बनाई थी, वो एक्चुअली रियली नाइस शमनीजा। हाँ। मुझे लग रहा था कि वो पालक है, तो पालक का एक मखसूस किस्म का टेस्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि हमने उसको डिफरेंट चीजों के साथ उसको बैलेंस किया था। तो उससे क्या हुआ था, उससे जो है हमने उसको बैलेंस कर दिया था, तो वो जो पालक का जो एक्चुअल फ्लेवर था ना, वो हमने जो है वो उसको चेंज कर दिया था। तो उससे पालक का फ्लेवर हमें नहीं पता चल रहा था, बाकी हमें उसका फ्लेवर आ रहा था जो पाइनएप्पल है और कोकोनट मिल्क जो हमने यूज़ किया था। तो उससे जो आपने कहा था पीना कोलाडा टाइप फ्लेवर आ रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही आ रहा था। अच्छा, मैं एक चीज़ बड़ी लोगों में नोटिस करता हूँ कि कभी भी वो कुछ पका रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, चाहे वो सैंडविचेस हो, चाहे वो सैलेड हो, उसके अंदर किसी किस्म का मीट डालना बड़ा लाजिम हो जाता है लोगों पे, नहीं मुनीजा? बिल्कुल, वो कहते नहीं इसमें चिकन डाल दें, इसमें तो आप रोस्टेड बीफ डाल दें, या कम से कम इसमें टूना डाल दें। हाँ, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी कुछ लोग होते हैं, जो कि आजकल यू नो बींग वीगन इज ऑल्सो अ ट्रेंड, कि आप सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाते हैं, बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं आजकल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कभी मीट की जगह, क्योंकि हमें वो एक चबाने की बड़ी आदत हो जाती है ना, तो आपको आई थिंक मीट से मजा भी आता है, कि आता है।, है या कुछ है, और वो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कभी उसकी जगह ऑलिव्स, या आप उसकी जगह मशरूम, या वो जो बेबी कॉर्न होता है, या यू नो वो बेबी टोमेटोज होते हैं, चेरी टोमेटोज जिसको कहते हैं, आई थिंक वो बड़ा अच्छा एक फ्लेवर भी देते हैं, और वो थोड़ा फिलिंग भी मुझे लगता है बेहतर होते हैं। अच्छा, हमने बिल्कुल ऐसे ही है जो आप बात कह रहे हैं, ऐसे ही है, हम इस तरह भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। साथ मैंने इसके अंदर सॉसेजेस ऐड करें, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप इसको फ्राई करके कट करके और ऐड कर सकते हैं। ये एग सैंडविच के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमारी एग फिलिंग बिल्कुल रेडी है, तो हम इसको जो है आपको असेंबलिंग इसकी बताते हैं कि किस तरीके से हमने करना है। जी, इन द क्रोसेंट, और ये हम, थैंक यू। अच्छा, इसको हमने जो है वो इस तरीके से कट कर लेना है, ठीक है, हाफ में। शेफ मुनीजा, आप क्रोसन बनाना कब सिखा रही हैं, ये बताएं? इंशाल्लाह सून, जल्दी बताएंगे। बहुत अच्छी सी रेसिपी सिखाएंगे आपको क्रोसन की, कि आप इजीली घर पे जो है वो बना सकें। अच्छा, इसके साथ ही मुझे जो है वो लेटस और टोमेटोज भी चाहिए होंगे।
अच्छा जी, थैंक यू। हमने यहाँ पे लिया है लेटिस, यानी कि जो है ये सलाद पत्ता नहीं है, सलाद पत्ता अलग चीज़ होती है, लेटस यानी कि आइसबर्ग अलग चीज़ होती है, क्रिस्पी होता है ना, ये क्रिस्पी होता है, इसका फ्लेवर डिफरेंट होता है, ठीक है, तो हम ये यूज़ करें। अच्छा, इसकी एक चीज़ बता दूँ, अगर इसको हम नाइफ से कट करते हैं तो इसमें एक बिटरनेस आ जाती है। अच्छा, हाँ, तो जब भी आपने यूज़ करना है आपने सिंपली इसको हैंड से, हाथों से इस तरीके से आपने इसको तोड़ लेना है, तो इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। और कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा जो है ना इस तरीके से थोड़ा सा, आप कोई पुराना गुस्से में लव लेटर फाड़ते हैं, हाँ, उसी तरह आपने लेटर्स के साथ आपने कितने लव लेटर फाड़े। देखिए, मैं एक इमोशनल इंसान हूँ, मैं एक एक्टर हूँ ना, तो मेरे अंदर इमोशंस की भरमार है। लेडीज जेंटलमैन, कहीं मत जाएगा, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार किचन क्वीन का सेगमेंट अभी जारी है, वी आर मेकिंग दीज अमेजिंग क्रोसॉन सैंडविचेस। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक हवतीरो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अभी थोड़ी देर पहले हम अपनी किचन क्वीन शेफ मुनीजा के साथ थे, जो कि इस वक्त मसरूफ है बाल बनाने में, क्योंकि क्या हुआ मुनीजा, हमारे सैंडविच का जो सैंडविच आपका, आप पोटैटो सैंडविच की तरफ हम जो बताएंगे आपको, एक सैंडविच तो हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं, हमने उसको उसका असेंबलिंग कर दी, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा पेपरिका इसके ऊपर डाला और दैट्स इट, हमारा सैंडविच रेडी। और अभी हम बना रहे हैं दूसरा वाला, जी जबरदस्त। अच्छा, व्हाइल आवर किचन क्वीन इज बिजी दूसरा सैंडविच बनाने में, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बड़ी फेवरेट, हमारी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ। सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ कॉल्ड द PCOS, द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज दैट इज फेस्ड by 4-18% of females in the reproductive age. ये बहुत बड़ा problem है, काफ़ी सारे लोग डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देसी टोटकों से बड़ा फ़ायदा हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए आपको सीट साइकिलिंग करनी पड़ती है, आप प्लीज़ मुझे इसके बारे में थोड़ी सी इंसाइट दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए नज़रियाती जंग है कुछ, मतलब कि कुछ पैथी में ये माना जाता है कि ये पूरी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी रहने के लिए, तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए इंसुलिन को सप्रेस करने के लिए आपको अद्वियात दी जाती है कि आपको वो खाते रहना है, और कुछ PCOS ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि आगे जाके इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, बट हम नेचुरोपैथी कहते हैं कि ये बताए ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ, जैसे एग्स आपके बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो उसके लिए आप उसको सप्रेस नहीं करो, उसको क्लीन करो, आप उसको मतलब कि वो जो आपका जो आपके यूट्रस या आपकी ओवरीज उसको क्लीन करेंगे तो फिर सही रहेगा, तो हम उस पे जाते हैं। उसके लिए सीड साइक्लिंग का ऑल्दो के साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ठीक है, कोई इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन ये लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। अच्छा, इससे फ़ायदा होता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, इसमें सीड साइक्लिंग दो तरह की है। अच्छा, एक तो होता है कि आपका मतलब फॉलिकुलर फेस में, जैसे हम पम्पकिन सीड कहते हैं तो कद्दू के बीज आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन बड़े वाले कद्दू के बीज इसमें आपके काम आते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं, आप पंसार के पास जाके जो बीज लेते हैं वो आपके काम नहीं आते, इससे आपकी उस पर जो आप कर रहे हो तो उस पर असर पड़ता है, थेरेपी जो आप कर रहे हैं थेरेपी करें आपके थेरेपी पर असर पड़ता है। अच्छा, दूसरा इसमें है जो है ना अलसी के बीज। अच्छा, ये करना ऐसा होता है कि आपके मखसूस आयाम शुरू होते हैं तो आपने ये दो बीज जो है एक बड़ा चम्मच लेना है या एक एक टीस्पून लेना है, लेने का तरीका भी बहुत आसान है, जब आपने बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया हुआ हो या आप खाली पेट ले सकते हैं, या आप एक टेबल स्पून दिन में दो दफ़ा ले सकते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है, आपके जो टीथ है उससे उसको ग्राइंडिंग चबाना बहुत अच्छी तरीके से है, और इस ये बहुत अच्छा आपकी बॉडी में काम करे, तो मैं इसके साथ जो है ना काली मिर्च ज़रूर देती हूँ कि काली मिर्च आप इसके साथ लें, क्योंकि काली मिर्च का काम है कि जो चीज़ आप खा रहे हो उसके न्यूट्रिएंट को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कराना,
तो शुरू के पहले दिन से लेके 14 दिन तक आपने ये इस्तेमाल करना है। अब दूसरे फेज में हम आ जाते हैं, ये फॉलिकुलर फेज होता है। जी, काली मिर्च का या काला नमक का? काली मिर्च का। ठीक है, अब लेना कितना कितना है? आपने, अब मिसाल मैं दे रही हूँ कि अगर आपने 50-50 ग्राम लिया है तो अब 10 काली मिर्च पीस के इसमें डाल दीजिए। अच्छा, सीड्स जो है उसको ना पीसें। पीसने से क्या होता है, हमारे क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो उसमें फंगस पड़ जाता है, तो इसलिए ना पीसें। और जो अल्लाह ताला ने आपको पीसने की मशीन दी है, जो आपके टीथ है उससे इसको अच्छी तरह ग्राइंड करें, और आपका माउथ स्लाइवा इसमें ऐड होगा तो निज़ाम हज़म भी अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, ये शुरू के 14 दिन का। अच्छा जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक चीज़, सॉरी टू ऐड यू, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हमें ईमेल्स में, बिकॉज यू नो वी ऑलवेज ट्राई टू गेट के लोग क्या जानना चाहते हैं इस बीमारी के बारे में, PCOS के बारे में। अगर एक बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाए या बहुत जल्दी पकड़ी जाए तो क्या इससे छुटकारा हासिल हो सकता है? इससे छुटकारा नेचुरोपैथी में है। कैसे? देखिए, आपने एक्सरसाइज करना है, आपने अपने डाइट का ख्याल करना है। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो सबसे पहले आपने गंदम की रोटी छोड़नी, क्योंकि एक जो आप रोटी खा रहे हैं उसमें 2 चम्मच चीनी। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं। अच्छा, कुछ लोग, कुछ माएँ मेरे पास आती हैं, कहती हैं कि हमारी बेटी को तो शुगर नहीं है तो फिर इसकी चीनी क्यों बंद की गई? इंसुलिन जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज में है, ठीक है, तो उसको हमें सही करने की, सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो रेज्ड होगा तो एक्सरसाइज अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, अब जब दूसरे फेस में हम आते हैं तो उसमें सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स, यानी कि तिल के बीज जो है वो इस्तेमाल करने, लेकिन मैंने हमेशा काले तिल को तरजीह दी है सफ़ेद तिल पर। तो जब आप हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए कर रहे हैं तो आपने काले तिल ही इस्तेमाल करना है, काले तिल और सनफ्लावर। ये आपने तब तक करना है जब तक आपके मखसूस आयाम आ नहीं जाते। तरीका इस्तेमाल इसका भी है, ये 50-50 ग्राम ले लीजिए, इसमें 10 काली मिर्च पीस के डाल दीजिए और इसको दिन में 1-2 दफ़ा आप खा सकते हैं और ऐसे ही ग्राइंड करके खाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये SFD पे एक तस्वीर चल रही है, सीड साइक्लिंग फॉर हार्मोनल बैलेंस। जी जी, ये जिस तरह डे 1-14 में मेंस्ट्रुअल एंड फॉलिकल फेज के अंदर ये वाली सीड्स हैं, यू नो द फॉर 1 टेबलस्पून ईच ग्राउंड फ्लैक्स एंड पम्पकिन सीड्स हैं, 1-14 दिन तक। जी, और अगले में लिखा हुआ है लिथल फेस के लिए, जो ना ओवुलेटरी के लिए। एग्जैक्टली, 1 टेबलस्पून ऑफ सनफ्लावर डेज 15 टू डेज 28। अच्छा देखिए, इसमें भी सेसमी जो रखे हुए सफेद रखे हुए। जी, मैंने ये कहा कि सफेद से काले बेहतर है, काले बेहतर है। और मतलब कि मेरी रिसर्च जब जो मेरी नेचुरोपैथी है वो ये कहती है कि ब्लैक मच बेटर देन वाइट। अच्छा, तो आपने काले वाले इस्तेमाल करने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मुझे बात बताएं, बहुत सारी जो हमारी टीनेजर लड़कियां हैं, जैसे यू नो व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, हाउ टू फाइंड आउट कि आप इस तरफ प्रोन हो सकते हैं या आपको बीमारी हो सकती है? अच्छा बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपके लोअर बॉडी जो है वो थोड़ी सी बल्की हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आपके बाल गिरने लगते हैं, आपकी गर्दन की एक साइड बिल्कुल काली होना शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, प्लीज कहीं मत जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली यंग मदर्स के लिए। अगर आप अपनी बच्चियों को बड़ा करिए, योर चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, योर फीमेल चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, आपको ये बातें जानना बे इंतहा जरूरी है, कहीं मत जाएगा। हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर फौरन डॉक्टर बिल्कीज के साथ वापस आ रहे हैं टू डिस्कस हाउ टू आइडेंटिफाई PCOS। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस मौजूद हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं PCOS, द पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज। डॉक्टर साहब, हम आपसे ब्रेक पे जाने से पहले पूछ रहा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई एट अ यंगर एज
कि आप इस तरफ प्रोन हो सकते हैं जो बच्चियां हैं या ये बीमारी उनको है और आइडेंटिफाई नहीं? अच्छा देखिए, मैं कुछ बता रही थी कि आपकी गर्दन काली हो जाती है, आपके मखसूस आयाम नहीं आते, आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। उसके अलावा साइंटिफिक आप इसको प्रूव कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हो। उसके अलावा मखसूस आयाम के दूसरे दिन FSH और LH, तो फिर आपको पता चल जाता है कि आपकी बीमारी क्या है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो मिसिंग है वो है विटामिन D3 को कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपका विटामिन D ड्रॉप हुआ तो आप इस डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं। ओके। तो आपने अपना विटामिन D3 बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखना है। अच्छा, मेरे पास बच्चियाँ आती कहती सही तो है 30 पे है, लेकिन अगर आपके हार्मोन सही रखना है तो वो 50 प्लस होना चाहिए, 50 से 70 तक होना चाहिए। okay. और उस पर मेंटेन रखना चाहिए। अच्छा, अब कुछ पेशेंट्स या कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब हमारा विटामिन D3 ड्रॉप होता है, डॉक्टर्स हमें कुछ पिल्स दे देते हैं, कुछ सॉफ्ट जेल दे देते हैं या इंजेक्शन लगा देते हैं, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो कुछ मखसूस वक्त के लिए होता है, उसके बाद वो ड्रॉप होना शुरू होता है। आपको डेली डोजेस डॉक्टर से सेट कराना चाहिए, आपको धूप में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हुस्न के लिए, ब्यूटी के लिए सूरज से ऐसे डरते हैं जैसे वो कोई जिन भूत हो। सुबह भी नहीं जाते, शाम में भी नहीं जाते कि स्किन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में भी और यूजुअली भी खवातीन को ये लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, अरे मेरी बेटी के साथ भी, लेकिन तो सही हो जाएगी, मेरी भी इस उम्र में सही हुई थी, उसकी भी हो जाएगी, और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही, वो तो दवाइयों पर लगा देंगे, या वो क्या करते हैं मुर्गी बंद कर देंगे, हाँ, बच्चों का या कुछ ये खाना बंद कर देंगे या गोश्त बंद कर देंगे एकदम से कि नहीं तुम ये मत खाओ या वो मत खाओ। एक तो देसी टोटका और सेल्फ, मैं हर शो में इस बात पर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करता हूँ कि हम लोग जो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ लग जाते हैं कि नहीं तुम ये कर लो तुम वो कर लो, वो खाला ने बताया, वो चची ने बताया, इस तरफ चले जाते हैं। अच्छा नहीं, देखिए इसमें तो पूरा आपने ना इंसुलिन भी चेक कराना है, आपने फिर सारे आपने वो चेक कराना है कि आपके हॉर्मोन्स कहाँ गड़बड़ करें, किस वजह से आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, ठीक है, ये तो आपने कराना है। और बिल्कुल ये हेरिडिटी में होता है, चल सकता है कि अगर माँ को है तो बेटी को हो सकता है, लेकिन सिर्फ बेचारी मुर्गी बंद करने से क्या होगा, क्योंकि हम तो रहे ऐसे केमिकलाइज दुनिया में रहे कि आप हम फूड कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, हमारा सोना जागना सही नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे खाने के आदाब ही नहीं है, हमारे खाने का जो टेबल होता है अगर कभी इत्तेफाकन हम साथ खा लें तो हमसे बड़ा सियासतदान कोई नहीं होता है, हमसे बड़ा आलम कोई नहीं होता है, हम उन्हीं झगड़ों में खाना खा रहे होते हैं। खाने के आदाब है ना कि खाना आपने चुप करके खाना है, निवालों को चबा चबा के खाना है, हम वो सारी चीजें भूल चुके हैं। डेजिग्नेटेड वक्त पे भी खाने के, ये डिनर का टाइम है जी, या ये लंच का टाइम है। अच्छा, PCOS के लिए, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमें हमारी प्रोग्रामिंग अल्लाह गफूर रहीम ने की है, तो उन्होंने हमें जो सिखाया है जीना, वो सूरज के साथ उठना, चांद के साथ सोना, हमारी सारी बच्चियाँ तकरीबन वो चांद के साथ उठती हैं और सूरज के साथ सोती हैं। बच्चियाँ क्या, बच्चे भी मून रेजेस का अलग आपके हॉर्मोन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है और सन रेजेस का अलग इम्पैक्ट पड़ता है। हम इन चीजों को भूल जाते हैं और हमने बड़ी बेटा आसानियां ढूंढ ली, बस एक टेबलेट खाना है, डॉक्टर ने कहा तो एक टेबलेट खाना। अच्छा, अगर एक दफा हम किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं तो रिविजिट ही नहीं करते, ठीक है। आई थिंक वो एक प्रिस्क्रिप्शन है, वो चलती रहती रहती है। अगर आपने जिस तरह का किसी पड़ोसी के बच्चे को हो गया, उसको कि अल्लाह ना करे उसको थायराइड हो, थायराइड हो, थायराइड की वजह से उसको जो है ना ये डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दी, आप बगैर देखे वो दे देते हैं। अगर कोई टोटका पता चल जाता है, अच्छा देखिए टोटके भी दो तरह के होते हैं, एक फूड ग्रेट होते हैं, जैसे कोई कह दे कि आप प्याज खा लें, आप गाजर का जूस पी लें, मिसाल में दे रही हूँ, तब तक तो वो सही है क्योंकि वो फूड ग्रेट है। हाँ, अगर कोई ये कहे कि गाजर के बीज खा लें, आप फलां जड़ी बूटी खा लें, उन्हीं से तो दवाइयाँ बनती हैं, क्या वो आपके बॉडी में जाके कोई रिएक्शन नहीं करेंगी? यकीनन करेगी, क्योंकि नेचुरोपैथी की एक बात है कि अगर आपको वो बीमारी नहीं है ना तो वो ढूंढेगी, नहीं है तो बनाएगी, फिर उसका इलाज करेगी। तो आप
खुद जो सेल्फ मेडिकेशन है वो इतना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये PCOS के लिए मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कौन सी डाइट है जो शुरू से, अभी से जो यंग मदर्स हैं जिनकी छोटी बच्चियाँ हैं, उनकी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करके रखें सो दैट दे स्टे अवे फ्रॉम दिस डिजीज। अच्छा, सबसे पहले प्रिजर्वेटिव्स निकाल दें अपनी जिंदगी से, प्रिजर्वेटिव्स ऑर्गेनिक पर आए, ठीक है, शक्ल सूरत पे नहीं जाएं, क्योंकि उसी से हम मार खा जाते हैं कि भाई हमें चीज़ें, हम अगर टमाटर लेने जा रहे हैं वो भी बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई, उसमें हर किस्म के रंग बिखेरे हैं, तो एक जैसी चीज़ें नहीं होती। आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, बच्चियों को कोशिश करें कि घर का खाना खाएँ, शोरबे वाली रोटियां वगैरह सब मतरूक हो चुकी हैं। अब मेरे ख्याल में 3-4 साल बाद हम भूल जाएंगे हम कैप्सूल खा रहे होंगे, मल्टीविटामिन ले रहे होंगे। तो आपने अपने सोने और जागने का जो है वो बेहतर करना है। एक चीज़ घर में किचन में आपकी मदद कर सकती है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, वो है अदरक। अदरक का कहवा, अदरक, सौंफ, पुदीना, इलायची निज़ाम हज़म के लिए भी अच्छा है, हार्मोन्स के लिए भी अच्छा है। आप एज अ ग्रीन टी ही अपनी बच्चियों को देना शुरू करें। एक चीज़ उनको कहें कि ये फ़ोन वगैरह सब रख के और अपना जो है ना क्या करें, एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर करें, वर्कआउट करते रहें। ज़बरदस्त, बहुत ही पते की बात आपने कही। मेरे ख्याल से जो यंग मदर्स अभी हमारा शो देख रही हैं, दिस इज़ द टाइम टू पे अटेंशन टू योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों का अभी से ख्याल रखना शुरू कीजिए। मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पढ़ी थी, मैं ब्रेक के बाद बताऊँगा ये किसकी सेंग थी डॉक्टर साहबा, कि ईट योर फूड एज मेडिसिन, अपना खाना दवाई की तरह खाइए और चूज कीजिए, वरना यू वुड हैव टू ईट योर मेडिसिन एज फूड, वरना आपको दवाई खाने की जगह खानी पड़ेगी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ मौजूद है हमारा एग सैलेड सैंडविच। जी देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है और कितना मजे का लग रहा है। प्लीज इसका एक अच्छा सा शॉट बनाइए, ये देखें, ये देखें, ये देखें, जबरदस्त। नहीं इस पे ये म्यूजिक कहां से बन का था? इसको गरम कर लूं इस पे? नहीं नहीं क्यों, अब म्यूजिक बनता है गरम करने वाली बात। अच्छा दूसरे इस पे आ जाते हैं, हमने बेस सेम तैयार की थी, हमने आपको बताया था इसमें मैं जो है सोया ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने बात की थी कि वेजिटेबल्स पे भी सिर्फ जाना चाहिए हमें। तो अब जो है हमने जो आलू बॉईल करे थे उसको मोटा मोटा मैश कर लिया, बहुत ज़्यादा फाइन मैश नहीं किया हमने उसको, ताकि क्रंची थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसको जो है हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने ऐड किया था, क्योंकि ऑब्वियसली पोटैटोज ऐड कर रहे हैं तो उसमें सॉल्ट की मिकदार भी जाएगी। बस दैट्स इट, ये हमारी जो है मज़ेदार सा जो है ये फिलिंग बिल्कुल तैयार है। इसको भी हम क्या करेंगे, इस पे इसी तरीके से आइसबर्ग लेटस जो है वो हाथ से तोड़ के रखते जाएंगे, इसके इससे अच्छा सा ग्रीन कलर भी मिलेगा हमारे सैंडविच को और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छा इसको आपने वॉश करके ड्राई कर लेना है, उसके बाद अब जो है हम इसके ऊपर ये जो हमने फिलिंग तैयार की है ये स्प्रेड कर देंगे। और अभी शेफ मुनीजा, मैं कहने लगा था डॉक्टर मुनीजा और शेफ बिल्किस, वेरी गुड। एक दिन मैं नहीं सीरियसली, एक दिन हम ऐसा करेंगे, वी विल स्विच रोल्स और डॉक्टर बिल्किस आपको मैं यहाँ पे कहूंगा कुछ पकाए और मुनीजा आप अपनी सेल्फ मेडिकेशन की ना कुछ गलत सलत बातें हमसे शेयर कीजिएगा। अच्छा नहीं देखिए शेफ भी एक तरीके से डॉक्टर के काम अदा करता है और खुद पे अप्लाई भी कीजिएगा। वैसे शेफ करते हैं डॉक्टर्स का काम, दैट आई कंप्लीटली एग्री। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप मुझे बता रही थी कि यू नो ये जो सैंडविच है वी कैन हैव इट एज अ कोल्ड सैंडविच आल्सो। बिल्कुल है ना, ऐसा ही है, ये एज अ कोल्ड सैंडविच ही सर्व होगा। अच्छा मैंने क्या किया था, ये जो है वो सोया जो है जी वो हमने इसको इसके लीव्स को हल्का सा इस तरीके से कर दिया था ताकि हम इस पे जो है वो लगा सकें और बड़ा खूबसूरत सा इससे लुक भी आएगा और हम खा भी सकते हैं। सुनिए खा सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये तो निकाल देता हूं मिक्सर से, ये बिल्कुल खा सकते हैं, मैंने चॉप करके यही तो ऐड किया है इसमें। अच्छा ठीक है, ये हल्का सा इसको जो है सोया से नींद बहुत अच्छी आती है क्योंकि नाम ही उसका सोया है ना। लेकिन डॉक्टर बिल्किस अगर सोया आपने सुबह नाश्ते में खा लिया तो फिर दिन तो पूरा फिर सोया सोया गुजरेगा।
नहीं सोया के तो बहुत फायदे हैं, सोया जो सोया मिल्क खवातीन के लिए बहुत अच्छा है जी। लेकिन ये जो सोया है इससे बच्चों के जो बहुत रात को रोते हैं ना, क्रैंकी बच्चे जो, हाँ तो जैसे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि इसको उबाल कर उसका स्प्रे रूम में कर दें जहाँ बच्चा सो रहा हो। अच्छा। और सुकून, कुछ नहीं कर सकते तो सोया की गड्डी रख दें, बच्चा बहुत अच्छा सोता है सिर्फ उसको स्मेल करने से, उसकी स्मेल से जी, इसकी स्मेल। अच्छा वो आप जो ड्राइड वाली उसकी बात कर रही है ना, ये या इस फ्रेश वाले की बात कर रही है, दो तरीके की सोया, ये वाला, ये वाला। अच्छा एक वो जो ड्राई वाला आता है, जो सोया के बीज है वो हॉर्मोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ये वाला सोया जो है इससे जो बच्चों को सुलाना हो, तो जैसे आपने कहा सोया ही नाम है इसका। और डॉक्टर साहब अगर बच्चों की माँ को सुलाना हो तो वेरी गुड, ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा, कैमोमाइल टी अच्छा होता है, कैमोमाइल टी अच्छा होता है, ये क्यों बताया आपने। अच्छा बच्चों की माँ सो जाए, अब्बा जो है ना वो बच्चे को देख ले। मुझे याद है अल्लाह बख्शे, वो जो डॉक्टर जुबैदा तारिक थी, मिसेज जुबैदा तारिक जो थी, उन्होंने मुझे बताया था कि खशखाश को भी लेके अगर थोड़ा सा दूध में घुमा के आप पी लें तो उससे आपकी स्लीप बड़ी अच्छी है। खशखाश एक चम्मच उसको बहुत अच्छी तरह पहले भिगो दें, अगर आप चाहते हैं कि उसका बिल्कुल सही तरीके से बेनिफिट्स उठाएं। अच्छा। 2 से 3 घंटे भिगो कर फिर दूध में उबाल कर, और आप उस वो काम ही करता है 4 से 5 घंटे बाद। तो आपने अगर दोपहर 4 बजे अगर खशखाश वाला दूध पिया है तो आपको रात को जो है ना 8-9 बजे नींद अच्छी आएगी। अच्छा वो 3-4 घंटे के बाद असर करता है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, जो आपने पूछा है ना कि वाइफ्स को या खवातीन को, तो वो अप्लाई मेल्स में भी हो सकता है, ये सोच भी पूछिएगा। मैं तो वक्त ढूंढ रहा हूँ कि मैं कब सो, मुझे टाइम नहीं मिल रहा सोने का। ये यही बता देते कि 20 आवर्स काम करे, मतलब इनका सलाम है आपको, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो कायद थे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उनका एक बड़ी जबरदस्त सेइंग थी, काम और सिर्फ काम। एंड आई फर्मली बिलीव इन दिस। मुझे लगता है कि एक तो तालीम और दूसरा बेइंतहा काम करना जो है ना, वो आपको ईविल से दूर रखता है, बुरी थॉट से दूर रखता है। और मुझे लगता है कि अगर आप ज्यादा काम करते हैं और अच्छा काम करते रहते हैं तो मेरे ख्याल से कामयाबी आपसे कभी दूर नहीं जाएगी। दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। बिल्कुल, एक वक्त था मैं भी इसी तरह करती थी, 20-20 घंटे मेरा भी यही रूटीन था कि काम। जबरदस्त। अच्छा तो कमिंग बैक टू द किचन क्वीन, फाइनली हमारे दोनों सैंडविचेस तैयार हो गए हैं, और हमारे दोनों सैंडविचेस ने आज कोरमे से ज्यादा वक्त लिया है बनने में, इसमें शेफ मुनीजा का कोई गलती नहीं थी, आज गैस की गलती थी। देखिए कराची में हम रह रहे हैं तो वी हैव टू फेस दिस, हमें इसको भी फेस करना आना चाहिए, लेकिन मजे की बात ये कि मैंने तैयार करके दिया। बिल्कुल ये बात है ना। लेकिन शेफ मुनीजा मुझे अच्छी चीज जो लग रही है ना कि दे लुक रियली लाइट डिलीशियस, और जो 90% आजकल लोगों का प्रॉब्लम है कि गरम कौन करेगा खाना, अपना खाना खुद गरम करो, खाना कौन गरम करेगा। आई थिंक ये कोल्ड सैंडविचेस, आई थिंक इट्स ए ग्रेट वे आउट, आपने जल्दी से इसको ग्रैब किया, और आई थिंक द फीलिंग्स आर रियली नाइस। मैं आजकल कोशिश ये करता हूँ डॉक्टर बिल्कीस कि मैं जितना ज़्यादा गोश्त से, किसी भी किस्म की मीट से दूर रह सकूँ, एंड ट्राई टू ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो मेरे ख्याल से आई एम गोना गो फॉर दिस वन। और इसके अंदर हमने क्या क्या, इसमें एग्स और सॉसेजेस ऐड है, बाकी बेस हमारी वही है, मायनीज क्रीम और बटर की। अच्छा आज जैसे मिड वीक है आपको पता है, तो बंदे लोग जो है ना बड़े थके हुए होते हैं, क्या जल्दी से हो, तो आप इस तरीके की क्विक रेसिपीज बनाए, फिलिंग भी है, हेल्दी भी है और मजे की भी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शेफ मुनीजा, कल फिर हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह, और कुछ मजेदार कल का आपने डिसाइड कर लिया क्या करेंगे? डिसाइड हो गया है लेकिन हम अभी रिवील नहीं करेंगे, वो हम कल ही आपको बताएंगे, कल का सरप्राइज कल के लिए। डॉक्टर बिल्कीस थैंक यू वेरी मच, आई एम श्योर आज जो हमने बात की थी PCOS के लिए वो एक इट्स अ वेरी क्लोज इनसाइट ऑन द टॉपिक। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। खवातीन और हज़रात हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कौन सा बड़ा सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है, कहीं मजा आएगा, स्टे ट्यून्ड, वी बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार ऑन TV1। अभी हमने बहुत मजे का सैंडविच खाया और अब हम चल रहे हैं अपने मेन सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, TV1 पे एक मिनी सीरियल लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है ससुरालीज। नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा दैट इट्स ए कॉमेडी मिनी सीरियल, बहुत ही ज़्यादा फनी सीरियल है, उसके क्लिप्स चलते रहते हैं, उसके प्रोमोस चलते रहते हैं, आप देखते रहते होंगे। उसकी कास्ट में मौजूद हैं हिना दिलपजीर, सबा फैसल, द वेरी हाईली रिस्पेक्टेड एंड सेलिब्रेटेड मिस्टर फैसल काजी, हिना अशफाक, मुस्तफ़ा चंगेजी और लाइबा खान। लेकिन इस वक्त
हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं हमारे इसी ससुरालीज के दो की एक्टर्स द वेरी रिस्पेक्टेड मिस्टर फैसल काजी साहब। सलाम अलैकुम साहब, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। इतना रिस्पेक्टेड आपने कर दिया, अब मेरा दिल कर रहा है फोटा लेके खड़ा हो जाओ। अच्छा दोस्त हैं यार, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक सर। और मिस्टर फैसल काजी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, पहले बहुत मॉडलिंग करती थी और आजकल एक्टिंग के अंदर शी हैज स्टेप्ड इनटू, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है हिना अशफाक। सलाम हिना, कैसे आप? बिल्कुल ठीक है ना? लग रहा है कि सुबह उठना आपको ज़्यादा पसंद नहीं आया आज। नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं जोर से बोलूं क्या? बट हाउ आर यू फीलिंग टुडे? यू फीलिंग गुड? या आई एम फीलिंग जबरदस्त। अच्छा फैसल सर, आपसे मैं एक पूछना चाहूंगा, ससुरालीज के बारे में कुछ बताएं, क्या वो वजह थी जिसके लिए आपने इस प्रोजेक्ट को यस किया? ससुरालीज का तजुर्बा अच्छा रहा था। अच्छा इन रियल लाइफ क्या क्या तो ना नहीं वैसे ये जब प्रोजेक्ट सुना था ना तो मुझे सीमा मैम घर हातिल अजीज़ खातून है जी, जब ये सुना था मैं तो उस वक्त ही मैं अंदर से मचल गया। अच्छा सुनते ही? हाँ, मेरी आदत है, मैं ना अपना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाता नहीं, बताता नहीं। तो मैंने कहा यार दिल में काश ही मैं कर दूँ ना, तो मैं इस तरह से कुछ यूं कर। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आता है, नो, लेकिन हाँ कुछ लगता है कि यार ये किया तो मतलब शायद बुरों में बेहतर बुरा कर जाऊँ। ऐसी तो खैर बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन फैसल सर आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं करते, आप बहुत गिने चुने प्रोजेक्ट्स करते हैं और उसकी मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर फैसल काजी पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से आई थिंक पाँचवें या छठे वो शहरी हैं जिनको अमेरिका की और कैनेडा की सिटीजनशिप ऑनरी तौर पर दी गई है और उसके बावजूद ये पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ काम करते हैं, इसकी क्या वजह है सर मुझे बताइए। सबसे पहले तो ये वो कौन सा फॉर्मूला था जिसकी वजह से आपको ऑनरी सिटीजनशिप? सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, मेरी अम्मी, आपकी वालदा, अल्लाह ताला उनको जुदा ना करे, हमको जुदा ना करे, अल्लाह उनको सलामती हयाती लंबी उम्र तक खुशियों के साथ। मेरी वालदा का भी दिल नहीं था कभी, मेरा भी कभी मूड नहीं हुआ इस तरह, कभी सोचा नहीं यार पाकिस्तान से जाने। हाँ कमिटेड बहुत रहे ना, कमिटेड रहे हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं, तो और कोई कमी नहीं है। देखो मैं आपको बताऊँ, जब आप अमेरिका में होते हैं ना, चाहे डेढ़ महीना है, दो महीना है, टूर है, शूट कर रहे हैं, जिस भी गए हुए किसी भी मुल्क में, ठीक सातवें दिन मुझे अपने घर का तकिया भी याद आता है। बिल्कुल ऐसा होता है और मैं लिटरली मैं चुपचाप रो रहा होता हूँ, मैं दिल नहीं लगता क्योंकि एक दफ़ा मेरा तजुर्बा हुआ था, अमेरिका ही में था मैं, तो वो कुछ इसी किस्म का मौसम था तो कुछ फ्लू सा हो गया मुझे, तो मैंने एक दोस्त को कॉल किया और रात का डेढ़ बजा, अब वीकेंड था तो मेरे ख्याल से नहीं या पता नहीं, उसने मुझे कहा कि अच्छा मैं आता हूँ तो मैं कुछ मेडिसिन वगैरह ले आता हूँ, क्योंकि वहाँ तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। मैंने कहा मैं ले आता हूँ, तो क्या ना मैं ले आता हूँ, तो वो ना सुबह चार बज गया और फिर फ़ोन बंद हो गया। मैं रियलाइज़ किया, मैंने कहा कि अब ये तो सोचना भी नहीं है कभी कि इधर आगे रख, क्योंकि माफ चाहता हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त सब ऐसे नहीं हैं ज़ाहिर है, लेकिन एक आध की मिसाल ऐसे ही दे रहा हूँ जनरली कि अगर किसी को पता भी चल जाए कि आप वहाँ टिकने वाले हैं, वहीं से आपका फ़ोन बंद है, मतलब आपको फ़ोन डालना बंद। ये अपना मुल्क है यार, ये अपनी जगह है यार, रात को तीन बजे भी चाहे ASI उठा ले उठाता है बहुत ही अच्छी बात की है, कितनी सही बात आपने की है। वहाँ पे तो पुलिस भी नहीं उठाती है, वहाँ तो गए तो चले ही गए, अपना नहीं है ना यार। लेकिन ये इतनी पते की बात है क्योंकि यू नो मैं भी जब भी कभी मुल्क से बाहर जाता हूँ एग्जैक्टली चौथे पांचवे दिन वापस आने का ख्याल शुरू होता है और आई थिंक दो तीन दिन में वो इतना बढ़ जाता है कि हाँ मुझे होता है कि मैं फौरन से अपनी टिकट बुक करता हूँ, आई कम बैक टू पाकिस्तान। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बताऊँ, इस जैसा मुल्क जो आपका अपना मुल्क होता है चाहे वो कोई भी हो, वैसा ही कोई और जगह होती नहीं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और कास्ट मेंबर होंगी ससुरालीज की, विल बी राइट बैक।
खवातीन और हजरात, हम आपको एक बार फिर द मॉर्निंग शो में खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ ससुरालीज की टीम मौजूद है। ससुरालीज एक कॉमेडी मिनी सीरियल है जो कि बहुत जल्द आप टीवी वन पे देखेंगे। और अभी एक और टीम मेंबर ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं बिस्मा खान। सलामकुम बिस्मा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। एक जो एक मिथ है कि लड़कियां सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, ये आई थिंक गलत है क्योंकि आप दोनों सुबह जल्दी उठ के आ गई हैं। हम हिना से बात करेंगे। हिना, आपको कितना अर्सा हो गया फील्ड में, कब ज्वाइन किया? पहले तो आप बहुत मॉडलिंग करती थी, आपको बहुत सारे बिलबोर्ड से बर्गर खाते हुए हर जगह लगे हुए थे। आज भी बर्गर खा रही। अच्छा, खा रही थी? और तीन इलाकों में खा रही, एक जगह कोई खत्म नहीं हुआ, मुसलसल खा रही। बस खाते पीते रहना चाहिए ना, वैसे ही पंजाबी हूँ और वैसे ही मैं मशहूर भी हूँ फूडी। मतलब तो आप ये क्या डराएं ना पंजाबी हूँ, मतलब अच्छी बात है, खाना चाहिए, शौकीन हूँ मैं खाने। तो खत्म भी तो होना चाहिए ना। खैर, मैंने ये फील्ड जो ज्वाइन की थी ये 2014 में की थी, लेकिन स्टार्टिंग में बस एज अ हॉबी था, मतलब साथ साथ मेरी जॉब भी थी, पढ़ाई भी थी, तो मैं मतलब तुम्हें सोचा क्या कि भाई क्यों मॉडलिंग करूँ? तुम्हें मतलब दोस्त थे, फ्रेंड्स कहते थे कि तुम्हें करना चाहिए, या यू वर इंस्पायर्ड बाय समबडी के नहीं यार उसकी तरह मुझे बनना है? ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे मॉडलिंग करनी है, इवन एक्टिंग करनी है। मतलब किसी ने बस रेकमेंड किया कि आप जाके जो है, क्योंकि फोटोजेनिक को ट्राई करो, अपना पोर्टफोलियो बनवाओ। आई वॉज लाइक वाई नॉट। फिर मैंने बस ऐसे ही चांस नहीं लेते कि आप जाके बस ऑडिशन दे देते और फिर आपको प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट मिलता रहता है। तो फिर इस तरीके से बस स्टार्ट हुई थी मेरी जो फील्ड है। और इस तरीके से घर वाले सपोर्टिव थे शुरू में? नहीं थे, मेरे फादर नहीं हैं। लेकिन अब ऑफ़ कोर्स क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया फील्ड में, और जब आप इस फील्ड में होते हो और आपके फिर जो यू नो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है, किस तरीके का हमने प्रिस्क्रिप्शन इसकी जो है वो एक माइंडसेट किया हुआ है और किस तरीके का माइंडसेट है हमारा, और किस तरीके से लोग जो है उस चीज़ को हम समझते हैं एक नॉर्मल इंसान जो है। लेकिन जब आप इस फील्ड में होते हो और आप देखते हो कि नहीं यार एक प्रोफेशनली तरीके से काम होता है, तो वो काफ़ी माइंड चेंज होता है। और फिर फादर ने कहा हाँ ठीक है, बेटी का शौक है और बेटी जिद्दी भी है, तो बस। तो है ना, तो आपने एक चांस लिया और वो काम आपके आ गया, राइट? फैसल सर, आपने कभी चांस लिया जिंदगी? पता नहीं, ऐसी पूछ रहा हूँ आपसे, कोई चांस? आई थिंक ये तो रोज चांस लेते हैं। इसीलिए मैंने ये मैंने नहीं कहा, ये मैं कह रही है। और आपकी टीम मेंबर कह रही है कि आप रोज मेरी टीम मेंबर एक दूसरा और कह दिया, मैं इसीलिए उनको बात ही नहीं कर रहा। नहीं, अच्छा। हम लोग ससुराल इसमें साथ काम नहीं कर रहे, मैं अभी टीम मेंबर नहीं हूँ। उसमें चांस कौन सा है मेरा? मैं तो ऐसी बात ये अच्छी खासी खुश अखलाक किस्म की खातून है। अच्छा, बहुत अच्छी लगती है, ये दोनों बहुत पक्की फ्रेंड्स हैं। चांस की जहाँ तक बात है, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अब आपने नहीं पता किस जुमरे में पूछा है, लेकिन अव्वल तो मैं चांस नहीं लेता। अच्छा, शुक्र है यार, खुद ही मिलते गए। अच्छा, ऑडिशन भी दर बाद जगह ऑडिशन भी नहीं दिए। अच्छा, हाँ वो मिल गए। अच्छा, अवेल किया और मेहनत की, मेहनत से किया। लेकिन फैसल सर, हर चांस मेहनत मांगता है, ये बात ये आपने किस जुमरे में किए, मैं नहीं समझ रही। आपकी मर्जी, आप जहाँ भी ले जाओ उसको। हाँ। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरह बहुत सारे लोग हैं वो बताते हैं कि यू नो ऑडिशंस का एक सिलसिला आजकल भी चलता है। ऑफ कोर्स जब आपने शुरू किया था तब भी चलता होगा। मैंने हमेशा ऑडिशन दिया और हमेशा दिया। मैंने हमेशा इस प्रोजेक्ट के अलावा आखिरी जो भी किया था इससे पहले मैंने ऑडिशन दिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ। और आप उसको ईगो पे नहीं लेते कि तुम मुझसे ऑडिशन का कह रहे हो? नहीं यार, काहे का फैसला है, कोई है इंसान पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखें, मैं एक बात करके गुजर जाना चाहता हूँ। नहीं, हम आपको गुजरने तो खैर बिल्कुल नहीं दे सकते, इस बात की इजाजत नहीं। अल्लाह ना करे, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाएगा, मैं फैसल भाई को नहीं गुजरने दे रहा, आप लोग कहीं मत जाएगा, बहुत ही जबरदस्त कॉन्वर्सेशन के बीच में इस वक्त। वी विल बी राइट बैक। जो आपको दो मंजिला मकान दिख रहा है, ये दरअसल मकान नहीं है, एक तो खेल का मैदान है जहां पे हर वक्त जंग का माहौल बना रहता है। अम्मी क्या कर रही हैं आप? शबाना का शानदार इस्तकबाल। ओह माय गॉड, दिस इज इस्तकबाल। लगता है गटर का सारा कूड़ा ले आके कार विच पा देता। ए टीम की
कयादत कर रही है हमारी सुल्ताना आपा। ऐसा वार करना है या तो कमर का मोरा हिल जाए या फिर कूल्हे की हड्डी। दूसरी टीम की जो कप्तानी कर रही है वो है हमारी शबाना भाई। ओह माय गॉड, व्हाट अ डेंजरिंग प्लानिंग। ये देखिए, दोनों खवातीन अपने मद्दे मुकाबले को बाउंसर मार मार के एक दूसरे का सर फोड़ने के चक्कर में लगी रहती है। ये शुरू हो गया मैच, चलते मैदान में। मैदान में सबके भाग गए। वेलकम बैक खवातीन। रोज रात अभी आपने देखा ससुरालीज का एक ट्रेलर, लुक्स लाइक अ फैंटास्टिक कॉमेडी है ना, दिल पजी सबा फैसल और मिस्टर फैसल काजी। फैसल भाई, थोड़ी सी स्टोरी लाइन तो बताइए, क्या हो रहा है इसमें? यार क्या बताना, दिख ही रहा है साहब स्टोरी लाइन क्या, ये तो पूरी पूरी बाउंड्रियाँ दिख रही है। लेकिन ये दोनों आपकी वाइफ प्ले कर रही है? नहीं नहीं, ये मालकिन है। मालकिन है और आप मुलाजिम हैं? भाभियाँ हैं बड़ी छोटी। अच्छा, मैं मुलाजिम हूँ, ये उनकी बेटियाँ हैं जो हमारी बड़ी भाभी बड़ी जो ऊपर रहती हैं, तो वो ये उनकी बेटियाँ हैं उनका जो है। अच्छा, उसमें बड़ा वाज़े कि एक उर्दू स्पीकिंग है और एक पंजाबी। हाँ, वो सबा मैम का जो रोल है ना बड़ा कमाल है। हाँ, वो दोनों दिख रहे हैं। वो लंदन से आई हैं, इंग्लैंड से आई हैं वो, और पंजाबी एक्सेंट, पंजाबी एक्सेंट है लेकिन वो अंग्रेजी सर इतनी अच्छी रही उनकी भाई, तो वो पंजाबी एक्सेंट में जिस तरह की अंग्रेजी चाहती है वो बोल, वो उनका बड़ा अच्छा मजे। मुझे लगता है इंग्लैंड में भी अभी मुझे ज़ाती तौर पर महसूस होता है कि आई थिंक द सेकंड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज अब लंदन में पंजाबी ना होगी, क्योंकि सो मेनी पंजाबीज है। नहीं वहाँ तो यानी माशाल्लाह सो मैनी नहीं, मतलब लॉट्स ऑफ, कि मतलब एक खिड़की से देख रहे थे पाकिस्तानी बच्चा तो गोरा गुजरा तो कहने लगा मम्मी फॉरेनर जा रहा है। इतना हो गया। बहरहाल ये एक ऐसा बहुत अच्छे के बाद एक अच्छा मजाक, एक अच्छा मजाक, अच्छा ह्यूमर, इसमें किसी की कोई बेइज्जती नहीं हो रही, कोई किरदार भी किसी दूसरे किरदार की बेइज्जती नहीं कर रहा। इसमें राइटर ने अपना 100% दिया है, जाफरी ने लिखा हो या मैं सॉरी रिकॉर्डिंग में बता दे रहा हूँ, मोबाइल रिजवी किश्वर अदील जाफरी ने इसको लिखा है, नवीद बिलखिया इसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्शन दी है जुल्फिकार ने। आपने फैसल भाई एक्टिंग तो बहुत अच्छी की हमेशा से, लेकिन मैं आपकी होस्टिंग का बेतहाशा फैन रहा हूँ हमेशा से, और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि आप उस कैमरे में एक ब्रेक लीजिए। हमारी शुक्र है तो मॉर्निंग स्टार। बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, ससुरालीज बहुत जल्द आप टीवी वन पे देखेंगे, जो कि एक मिनी कॉमेडी सीरियल है और इन लोगों की आपस में जुगलबंदी केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त। हमारे साथ हैं बिस्मा, बिस्मा का ये सेकंड सीरियल है। बिस्मा, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं, व्हेन डिड यू जॉइन द इंडस्ट्री? इनके साथ ज्योग्राफी अच्छी है आपकी? नहीं आप क्यों गए, आप बोलो। मैंने आपको ऑफ स्क्रीन कहा था ना, ये इंसान किसी को नहीं बोलने, हमें बोलने ही नहीं देते, बोलने ही नहीं देते, ना सेट पे बोलने देते हैं और ना यहाँ बोलने देंगे। इंट्रोडक्शन तो दे, लेकिन बिस्मा आप क्या बोलना चाहती हैं? वो ना बोला है, वो तो पता नहीं क्या क्या रखे, क्या क्या बोलना चाहती है। ओ चले बिस्मा, चलो स्टार्ट जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो कैरेक्टर के बारे में बता रही हूं, मैं हिना दिल पजीर की बेटी हूं, हमारी आगे लव स्टोरी दिखाई है मेरी, हमारी लव स्टोरी दिखाई है, मतलब मैंने अलग अलग सारा की हमारी लव स्टोरी है क्या, नहीं अलग अलग लव स्टोरी दिखाई है, आगे जाके हमारी शादी होगी। अच्छा। बहुत मजे का क्या कहते हैं कॉमेडी सीरियल है और बहुत मजा आ रहा है, पहली बार काम कर रही हूँ हिना दिल पजीर के साथ, सबा फैसल के साथ, हिना के साथ, हिना मेरी बहुत पुरानी दोस्त है लेकिन हम काम पहली बार कर रहे हैं साथ। अच्छा। तो मजा आ रहा है, इनसे भी पहली बार मिली हूँ, इनके साथ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आपका तजुर्बा कैसा रहा इनके साथ पहली दफा? यार मतलब
बता अच्छा क्यों कह रही हो? बहुत अच्छा था ना सर। बहुत होती है कैमरे के आगे कभी कभी डायलॉग्स भूल जाती हूँ, लेकिन हिना आपा बहुत अच्छी है, बहुत हेल्प करती है और हिना बहुत अच्छी है, हिना साथ साथ बहुत हेल्प करती है मेरी, तो मजा आ रहा है मुझे, इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा हिना, तो आपने काफ़ी अच्छे सीरियल्स किए हैं, पहले आपने मास्टर्स किया जो कि एक लाइटवुड कॉलेज प्ले था, फिर उसके बाद यू डिड पापोश नगर की नीलम जो एक सीरियस काफ़ी ज़्यादा ड्रामा था, अब यू आर वेंचरिंग इनटू कॉमेडी, तीनों डिफरेंट जॉनर्स हैं, पर्सनली व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट डूइंग? अच्छा जो मेरा सबसे फर्स्ट प्ले है वो है मुनकर, मुनकर। अच्छा मुनकर, उसमें मैंने सपोर्टिंग किया था, उसके बाद जो मेरा फर्स्ट डेब्यू था वो था रंगदारी। अच्छा सही है, और उसके बाद ये मास्टर्स और फिर ये सब, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स और सब में मेरे बिल्कुल डिफरेंट थे, और लिटरली मुझे बहुत मेरे जो सबसे फर्स्ट इंटरव्यू भी था ना उसमें मैंने यही कहा था कि मुझे ना कैरेक्टर एक्टर बनने का शौक है, मेरे माइंड में कभी भी ये नहीं आया कि मुझे हीरोइन बनना है। लेकिन ना यू नो द वे यू लुक, जिस तरह का तुम्हारा लुक है, और यू नो मुझे लगता है कि हमारी सबकी लाइफ और पर्सनैलिटी आजकल इंस्टाग्राम बहुत लीड करता है, और जब यू नो पीपल वुड लुक एट योर इंस्टाग्राम तो उसके अंदर यू नो यू आर सो ग्लैमरस, एक मॉडल हो और तुम्हारे इतने ग्लैमरस शूट्स है, तो कोई कोई भी तुम्हें आई थिंक वो सफेद चादर वाले रोल मेरा नहीं ख्याल देना चाह रहा होगा आजकल। हाँ, यू यंग आल्सो अभी। बिल्कुल, लेकिन पापोश नगर की नीलम में बिल्कुल मेरा एक डिफरेंट कैरेक्टर था, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत जो है हाईलाइट किया गया है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा मेरा एक सेटल बिचारी मासूम लड़की जो आप कह रहे हो बिल्कुल जो कि आप रियल लाइफ में नहीं है, जो कि मैं रियल लाइफ में मुझे पैसा भाई बताया यू कैन से आई एम बबली, मतलब लाइक मुझसे 24 घंटे खामोश नहीं रहा जाता, मतलब सेट पे भी हम सब बातें कर रहे होते हैं, मैं बिल्कुल भी मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है कि 24 घंटे एक साइड पे बैठी रहूंगी मुंह बना के, और लाइक हाँ थोड़ा टाइम लगता है मुझे थोड़ा सा मर्जिन होने में, लेकिन बट द गुड थिंग इज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नए टैलेंट का इन्फ्लक्स हमारी इंडस्ट्री, हमारी सोसाइटी और हमारी फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही अच्छा है। वी हैव हिना, वी हैव बस्मा जॉइनिंग दिस इंडस्ट्री, जो कि दो कॉन्फिडेंट यंग और बड़ी ज़बरदस्त मुझे टैलेंटेड लड़कियाँ लग रही हैं अभी, एंड आई विश बोथ ऑफ यू ऑल द बेस्ट। ससुरालीज बहुत जल्द आप टी वी वन पर देखेंगे, एक मिनी सीरियल है जिसमें हिना दिल पजीर हैं, सबा फैसल हैं और फैसल काजी साहब हैं। इट्स टाइम टू से गुड बाई, कल हम फिर आपके साथ होंगे सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक द मॉर्निंग स्टार में, और वाइल्स आई साइन ऑफ